ये हमारे दोस्त ने कैलकुलेटर बना लिया है और भी सब लोगों ने सबमिशन करवाई भी है, लेकिन सबको खोल के शायद मैं भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। मैंने लिखा 23, एंटर, और सेकंड नंबर पे मैंने लिखा 7 और ओके, तो ये 30 लिखा हुआ आ गया। ये हेडिंग क्या लगाई है इसके साथ? अच्छा, एस्पेनियोल में रिस्पॉन्स लिखा है। रेस्पॉन्सिविता। अच्छा, ये मिस स्पेल हो गया मेरे ख्याल, लेकिन ये साउंड कर रहा है एस्पेनियोल जैसा, बल्कि स्पेनिश जैसा, बल्कि रेस्पुस्तिस्ता। वो बड़ा एक अच्छा कॉमेडियन है ना, फ्लफी नाम है उसका, वो स्पेनिश है। अच्छा, इसमें ये पहले ही बता रहा है कि 0 है ये। अच्छा नहीं, नंबर एंटर करते हैं, इसमें कहता हूँ मैं कि 31, एंटर 8। ठीक है जी, 31 में से 8 निकाला, 23 आ गया। भाई सब जगह एक ही स्पेलिंग लिखी है, वेल डन यार। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 36, गुड। और डिवाइड, यार ये खुद से पहले कैसे आ जाता है एन? ये क्या किया है ये उस फंक्शन को? शायद पता नहीं पहले खुद ही से चल गया है वो। हाँ, अच्छा वो हुआ नहीं है, नया वाला जो किया था वो हुआ नहीं है। अच्छा चलो रिफ्रेश करते हैं। और इसमें मैंने कहा ये कौन सा था, डिवाइड था ना, तो मैंने कहा कि 10 डिवाइड बाई 3, तो ये सही आंसर आ गया। चलो भाई, अच्छा जी, तो आज हम ये चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, अनफेमिलियर ऑपरेटर। अब अनफेमिलियर ऑपरेटर जो है वो क्या चीज़ है? वो एक तो है सबसे पहले प्लस प्लस, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ये नाम भूलना नहीं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। जाहिर है कहीं पे अगर क्वेश्चन आएगा, अभी टेस्ट भी होगा आप सब लोगों का, तो उसमें टेस्ट में लिखने में इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है ये वाली बात हो रही है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है यार, ये चलते फिरते लोग मुझे नजर ना आए प्लीज यार, सेटल डाउन हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ इससे मैं ना। अच्छा, पोस्ट डिक्रीमेंट हमने एक देख लिया। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, एक नया मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सिक्स डॉट पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये मैंने नाम लिख दिया, और मैं इसके अंदर एक H1 लगा देता हूँ। भाई बंद नहीं है गेट, इसको बंद करो ना, बंद करो इसको। अच्छा जी, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, लेट नम वन इक्वल्स टू 5। अच्छा, कि हमारा जो नम वन है ना, ये यूज़र का इनपुट होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या होगा। अरे ये क्या किया मैंने, हाँ ये नम वन, अभी तो मैंने 5 ऐसे लिख दिया, लेकिन हम अब ये एज्यूम करेंगे कि ये यूज़र का इनपुट होगा। अच्छा, इस यूजर के इनपुट में मुझे 1 प्लस करना है ना, तो उसका क्या तरीका है? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, उसका तरीका ये है कि num1 इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अच्छा, उसके बाद num1 और प्लस उसके बाद 1। ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए ये काम। ये वाली जो बात है, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर नम वन की जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न होगी? वो यहाँ पे 5 रिटर्न होगी। अच्छा, और 5 प्लस 1 क्या रिटर्न करेगा? 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये 6 जो है वो नम वन के अंदर चला जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे करके ये एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर प्रिंट करवाता हूँ नम वन की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नम वन की वैल्यू में 6 प्रिंट हो जाना चाहिए इसमें। और इसको मैं ज़रा कॉपी पाथ कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको चला देता हूँ, और मैं डेवलपर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नम वन की वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट हो गई। अच्छा, इसी काम को करने का एक तरीका और भी है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ, नम वन प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा, ये सेमी कॉलन जो है वो ऑप्शनल होता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसको कहते हैं, या लाइन टर्मिनेटर कहते हैं। तो हर स्टेटमेंट के आखिर में अगर मैं लाइन टर्मिनेटर लगा दूँ तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, इसको हम सेमी कॉलन भी नहीं बोलेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन टर्मिनेटर। सही है, इसका एक प्रॉपर नाम है ये, लाइन टर्मिनेटर। तो ये लाइन टर्मिनेटर आप ना भी लगाएंगे तो ये काम सही करेगा, लेकिन बेहतर है कि लगा दें। अच्छा, ये काम करने से भी सेम चीज़ होगी। अच्छा, कट किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया, तो देखो नम वन सिक्स सेम रिजल्ट आया है। अच्छा, अगर माइनस करना हो तो माइनस के लिए भी ये ऑपरेटर है, नम वन माइनस माइनस। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। और ये ऊपर वाला जो था ये पोस्ट इंक्रीमेंट था। अच्छा, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, फाइव में एक प्लस करने की बजाय एक माइनस कर देगा। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या रिजल्ट आना चाहिए आपकी बार, आप फोर आ जाना चाहिए, तो ये फोर आ गया। ठीक है, अच्छा, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसी तरह एक प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी होता है, जो बुक में अभी इसी चैप्टर में आगे जिक्र है, प्री इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये दोनों भी हैं। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि प्लस प्लस नम वन, सही है, और ये माइनस माइनस नम वन, ये इस तरह से। अच्छा, इसका फिनोमेना हम चेक करते हैं, पहले ये प्लस प्लस वाले का चेक करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये क्या करेगा, क्या नम वन में एक प्लस जैसे करता था ये पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये क्या लगता है आपको कि क्या करेगा, ऐसी जनरल सवाल, या कोई अगर किसी को पहले से पता हो, कितने लोग यहाँ पे बाय द वे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी हुई, उनको पता होगा ये, कोई है ऐसा जो प्रोग्रामिंग जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो क्या क्या करेगा ये, कोई बता सकता है, जिनको आती है वो बता दें। अच्छा, ये मैं इंटरेक्शन करता हूँ ना ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा फिर बात आगे नहीं बढ़ती। तो अच्छा, ये भी आपका ख्याल है कि एक ऐड करेगा, अच्छा, लेकिन क्या मुख्तलिफ है बताया आपने, रन करने से पहले इंक्रीमेंट कर देगा, और कोई आपने से बताना चाहे, पहले इंक्रीमेंट, अच्छा, नाम से आपको लग रहा है कि पहले इंक्रीमेंट कर देगा, या प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, प्रोग्रामिंग नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, अच्छा, थोड़ी बहुत वाला ये फंडामेंटल है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जो शुरू से पढ़ी हैं, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, सही है, यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नाम से, तो ये असल में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ये याद रखें कि दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना इस वक्त तक मौजूद हैं, जो उसमें ये चीज़ें सेम हैं, जैसा कि वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लिखने का सिंटैक्स अलग है, ग्रामर अलग है, जैसे पश्तो में आपका नाम पूछूंगा मैं तो जुमला अलग होगा, बात लेकिन वही है ना, अगर पंजाबी में आपका नाम पूछूं बात वही है, इंग्लिश में पूछूं बात वही है, उर्दू में भी पूछूं तो बात वही है। तो फंडामेंटल जो है ना वो ज़ाहिर है सेम होता है हर लैंग्वेज का, सही है ना, पानी मांगूंगा तो पानी ही मांगूंगा मैं, लैंग्वेज कोई सी भी हो। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, वेरिएबल इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ सेम इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऐसी चीज़ें जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी बातें प्रोग्रामिंग की। तो कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले ना आपको ये फंडामेंटल पढ़ने होंगे। अच्छा, फंडामेंटल आपको वंस आ गए तो फिर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको जस्ट क्या चाहिए, उसकी ग्रामर थोड़ी सी सीखनी है और आपको आ जाएगा।
ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा कभी ज़िंदगी में बोला ही नहीं, उसने गोंगा है ना, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को तो नहीं पता होता कि बोलना क्या है, फिनोमेना क्या है, तो पहले उसको हम अल्फाज अदा करना सिखाते हैं कि बोलना इटसेल्फ क्या चीज़ है। वंस उसको ये पता चल जाता है, लैंग्वेज कोई सी भी सीख लेगा, है ना, एक लैंग्वेज की हेल्प से फिर वो दूसरी सीख लेता है, दूसरी की हेल्प से तीसरी सीख लेता है। तो इस चीज़ को जो हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ना, इसका फिनोमेना तो बिल्कुल वही है कि काम ये भी वही करेगा कि एक प्लस कर देगा। रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ पे देखो सिक्स आ गया, पहले फाइव था, इसने प्लस वन कर दिया, सिक्स हो गया। अच्छा, डिक्रीमेंट का भी फिनोमेना सेम वही है कि ये माइनस करेगा, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, फोर आ गया। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो दोनों में सेम है। अच्छा, लेकिन ये जो शुरू में एक बात आ रही है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट और प्री का क्या चक्कर है, ये अब समझना रह गया। देखो नाम में छुपी हुई होती है सारी कहानी, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, और प्री का मतलब होता है पहले। जैसे हम बोलते हैं ना प्री इंजीनियरिंग, है ना, कि इंजीनियरिंग से पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है, आपको तैयार किया जाता है उस, या हम कहते हैं ना प्री प्राइमरी, कि प्राइमरी से पहले वाला, जिसमें वो मॉन्टेसरी आप कहने लग गए हैं उसको, किंडरगार्टन भी उसका एक नाम है, मॉन्टेसरी कह लो, किंडरगार्टन कह लो, लेकिन उसका एक नाम प्री प्राइमरी भी होता है गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो प्री का मतलब होता है कि कोई भी पहले वाला काम जो है ना वो वाला, जैसे प्री पेड होता है, प्री पेड में हम क्या करते हैं, पहले पैसे देते हैं मोबाइल के अंदर, पहले पैसे रिचार्ज करते हैं, फिर उसके बाद कॉल करते हैं। अच्छा, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट पेड कनेक्शन में क्या होता है, पूरे महीने आप उसको इस्तेमाल करते हैं, महीने के आखिर में बिल आता है और आप बाद में बिल पे करते हैं, पहले कॉल कर लेते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो नाम से साफ जाहिर है कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये इंक्रीमेंट पहले करेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट बाद में करेगा। लेकिन ये किस चीज़ से पहले और बाद में हो रहा है, यानी पहले और बाद में तो होता है ना कि, तो कोई रिलेटिविटी होगी ना उसके अंदर, कि भाई मिसाल के तौर पे फला तारीख के बाद या पहले, है ना, क्योंकि जब तक वो एक सर्टन लाइन नहीं ड्रॉ हुई हुई होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके बाद या इससे पहले, बाद या पहले का तो कॉन्सेप्ट ही जब आएगा जब एक लाइन ड्रॉ हुई हुई होगी, है ना, कि मतलब फला तारीख के बाद। अब तारीख मेंशन नहीं है, मैं बाद में का मतलब है कि अभी राइट नाउ से बाद, अगर कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि तारीख के फला तारीख के बाद, जस्ट वो कह रहा है बाद में, तो इसका मतलब है कि अभी से बात कर रहा है वो, राइट नाउ जो भी टाइम हो रहा है इसके बाद। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात है वैल्यू रिटर्न होने की। अच्छा, इससे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इसको, एक एक्सपेरिमेंट से हम ये समझते हैं कि मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट नम टू इक्वल्स टू सही है प्लस प्लस नम वन। नम वन में क्या मौजूद था, फाइव। अच्छा, यहां पे क्या रिटर्न होगा, सिक्स रिटर्न होगा। अच्छा, और नम टू में फिर सिक्स चला जाएगा। अच्छा, तो नम टू को भी साथ साथ प्रिंट करवा लेते हैं, सही है, नम टू को भी प्रिंट करा लिया, नम वन को भी करवा लिया। रिफ्रेश किया मैंने तो दोनों में सिक्स मौजूद है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ है, इंक्रीमेंट होने के बाद रिटर्न हुआ है। अच्छा, तो ये जो प्री और पोस्ट है ना, ये असल में रिटर्न की बात हो रही है कि रिटर्न जो वो करेगा वो इंक्रीमेंट करके रिटर्न करेगा या इंक्रीमेंट बाद में करेगा, या इंक्रीमेंट पहले करेगा इंक्रीमेंट बाद में, तो बीच में जो चीज़ है वो रिटर्न वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूँ घुमा के पोस्ट इंक्रीमेंट तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, जो फाइव लिखा हुआ था ना वही रिटर्न होगा, और इंक्रीमेंट क्योंकि पोस्ट है, यानी रिटर्न पहले हो जाएगा इंक्रीमेंट बाद में करेगा। तो अब मैं नीचे जहां पे प्रिंट जब करूंगा तो नम वन क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है ना, तो यहां पे नम वन में इंक्रीमेंट हुआ हुआ प्रिंट होगा, लेकिन नम टू में जाहिर है जो रिटर्न हुई थी वैल्यू वो इंक्रीमेंट के बगैर हुई थी, तो नम टू में क्या चला गया, फाइव, यानी जहां पे जब रिटर्न होगा तो फाइव रिटर्न होगा बगैर इंक्रीमेंट वाला, है ना, तो नम टू में क्या चला गया, फाइव चला गया, तो नम टू में फाइव ही रहेगा, नम वन में सिक्स हो जाएगा। ये जनरल है, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फिनोमेना सेम है, सही है। आगे देख लेते हैं, नम वन में सिक्स हो गया, नम वन में फाइव ही है। या इसको और सिंपल अगर कर लूँ मैं, इसको पूरे को रोक दूँ, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे आऊँ,
कॉन्सोल डॉट लॉग नम वन प्लस प्लस, है ना, सीधा सीधा मैंने नम वन प्लस प्लस को कॉन्सोल कर दिया। तो यहाँ पे जाहिर है जो चीज़ रिटर्न होगी वो मिलेगी कॉन्सोल को, है ना। तो रिटर्न क्या होगा, फाइव रिटर्न होगा बगैर इंक्रीमेंट के, क्योंकि इंक्रीमेंट पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, है। अच्छा आगे प्रिंट करते हैं, फाइव प्रिंट हुआ। अच्छा अगर मैं इसको कर दूं प्री इंक्रीमेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखूंगा मैं तो ये सिक्स प्रिंट हो गया। इसमें किसी का कोई सवाल, अच्छा इन दोस्त ने कहा कि क्या ये काउंटर के लिए इस्तेमाल होगा कि अगर जितने बंदे लॉग इन होते जा रहे हैं मैं काउंटर को प्लस करता जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये काउंटर के लिए भी इस्तेमाल होगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जिसके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा आप सब लोगों के जहन में ये सवाल भी शायद आ रहा हो, आना चाहिए ऑब्वियसली, कि यार जब नम इक्वल्स टू नम प्लस वन था मौजूद तो ये करने की क्या ज़रूरत थी, और करने की ज़रूरत थी भी तो ये पोस्ट और प्री का क्या चक्कर था, ये सीधा सीधा रखते, मतलब प्री इंक्रीमेंट मेक सेंस, प्री इंक्रीमेंट जो है वो मेक सेंस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या चक्कर है, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट जो है एक टूल है, जो फंडामेंटल टूल्स है ना प्रोग्रामिंग के, उसमें से एक टूल है ये। अभी तो आपने जस्ट ये सीखा है कि ये काम कैसे करता है, ये टूल काम करता क्या है आखिर, अभी तो आपने ये सीखा है। अभी इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है और ये कहाँ पर हेल्पफुल होगा, ये आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताता चलूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ये बहुत सारी जगहों पे बहुत काम आता है हमारे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 80s से 90s से ये शामिल है ये वाला, और अभी तक इसको हटाया नहीं गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में से, मतलब आज भी ये यूज़ होता है। अच्छा आपको मैं बताता चलूँ, ये जो सिंटैक्स हम लिख रहे हैं, ये जो ग्रामर हम लिख रहे हैं, ये भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। जैसे कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो सी लैंग्वेज में सेम यही सिंटैक्स है। अभी भेज देता हूँ। अच्छा तो सी लैंग्वेज को जो है ना हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं कि भाई वेरिएबल का नाम होगा इक्वल्स टू करके वैल्यू देंगे उसको, है ना, ऐसे वेरिएबल बनाने का एक सिंटैक्स है जो, ठीक है। इसी तरीके से ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हमने जो पढ़ा, तो ये सिंटैक्स जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये सी लैंग्वेज में करवाया गया था, तो इस वजह से उसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। फिर लोगों को वो इतना पसंद आया कि बाद में जितनी भी लैंग्वेजेस बनी तो उन्होंने इंस्पिरेशन लिया उससे। अब जाके जो है ना सिंटैक्स थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन सब चीज़ों का नहीं हुआ, फंक्शन का सिंटैक्स चेंज हुआ, एरो फंक्शन आ गया, अभी वो हम पढ़ेंगे आगे। तो अब जाके सिंटैक्स ना कुछ चीज़ों में चेंज आया है, लेकिन पिछले 40 सालों से सी लैंग्वेज 40 साल हो गए उसको आए हुए, 80s में आई थी, आज 2020-22 में 40 साल पूरे हो चुके हैं। तो 40 साल से ना सिंटैक्स यही था, अब थोड़ा बहुत जाके चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी पुराने सिंटैक्स को ख़त्म नहीं किया गया, वो दोनों चलता है, सही है। तो ना सिर्फ ये फंडामेंटल सेम है तकरीबन सारी लैंग्वेज में, बल्कि ये सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा तो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की हमें समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता है। अच्छा इसमें कोई किसी का अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैं पूछूंगा सवाल, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, हाँ पोस्ट में प्लस कर रहे हैं क्या मतलब, नहीं समझा नहीं मैं बात, यहाँ बताओ ना मुझे, यहाँ कैसे लिखूँ मैं, मुझे यहाँ बताओ ना स्क्रीन पर ऐसे ही करा है, हाँ बैठ के बता दो। एक वेरिएबल बना हुआ है फाइव, इसका मैंने लगा दिया प्लस प्लस, कंसोल में तो प्री में तो कर रहा है, पोस्ट में नहीं करेगा ना, ये पोस्ट में लगा दिया मैंने, तो अब ये फाइव ही प्रिंट करेगा, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया ना तो ये फाइव प्रिंट करेगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये फाइव प्रिंट करेगा। अच्छा लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं इसी की अगली लाइन में मैं कॉन्सोल डॉट लॉग एक और लगाऊं और इसमें सिर्फ नम वन लिख दूं तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ सिक्स प्रिंट होगा, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे क्या हुआ था
फाइव रिटर्न हुआ था बगैर इंक्रीमेंट वाला और इंक्रीमेंट लगा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में वो रिटर्न करने के बाद उसने एक्चुअल वेरिएबल में इंक्रीमेंट मार दिया था। तो अगली लाइन में मैं वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा ना, तो वो इंक्रीमेंट हुआ हुआ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिक्स प्रिंट होगा, सही है। पहले फाइव हुआ फिर सिक्स हो गया। यहाँ पे लाइन नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर 17 में जो है वो फाइव था, लाइन नंबर 19 में जाके जो है वो सिक्स हो गया। ठीक है, ये रहा लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 19। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज एन ऑपरेटर। अच्छा, इस ऑपरेटर एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। जैसे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ये भी बात याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी जो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, माइनस में टू, माइनस टू होगा ना, सिर्फ टू तो नहीं हो सकता माइनस। अच्छा, कुछ ऑपरेटर होते हैं उसको हम कहते हैं यूनैरी ऑपरेटर, उसको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। ये उनमें से पहला यूनैरी ऑपरेटर आपने पढ़ लिया, इसमें सिर्फ एक साइड पे ऑपरेंड चाहिए, दोनों साइड पे नहीं चाहिए, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को दोनों साइड पे चाहिए। भाई 10 डिवाइड बाई 3 होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 10 है और डिवाइड है, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह को बाइनरी ऑपरेटर, और जिसको एक ऑपरेंड चाहिए उसको यूनैरी ऑपरेटर। तो हम क्या बोलेंगे, नम वन प्लस प्लस, नम वन प्लस प्लस फाइव नहीं है ना। तो सर ना, अच्छा ये लगेगा सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ही, ठीक है, लिटरल नंबर के साथ ये नहीं लगता, ये वेरिएबल के ऊपर लगता है। अच्छा, तो अभी आप सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएं, वापस आके मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा इसकी, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो भाई।